फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में मटन करी बनाने जा रहे हैं। लेकिन मटन करी आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो देसी स्टाइल बनाएंगे, विलेज स्टाइल बनाएंगे। और आज की हमारी जो मटन करी है वो ताजे मसाले पीस कर बनाएंगे। तो चलिए, इस सिंपल सी रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो अब मटन करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम मटन ले लिया है, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पे हमें ताजे मसाले पीसकर इसकी करी बनानी है। तो उसके लिए मैंने एक बड़ी प्याज ले ली है, जिसको कि मैंने इस साइज़ में काट लिया है। आप छोटा बड़ा जैसा चाहे इसे काट सकते हैं। इसे हमें तवे पे भूनना होगा। सूखा नारियल ले लिया है मैंने। सूखा नारियल हमें एक नारियल का एक छोटा हिस्सा चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं। अदरक ले लिया है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसको कि मैंने स्लाइस में इस तरह से काट लिया है। और लहसुन ले लिए है, 2 डली लहसुन की कली ले ली है, जिसको कि मैंने छिलके के साथ ही रखा है। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और हरा धनिया चाहिए हमें। अब हरा धनिया यहाँ पे हमें मसाला पीसते वक्त भी चाहिए और ऊपर से काट के भी डाल देंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने हरा धनिया ले लिया है। हरा धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसके अलावा हमें एक बड़ा टमाटर चाहिए, जिसको कि मैंने एक टमाटर के 4 पार्ट कर लिए हैं। हमें इसे बॉईल करते वक्त, मटन बॉईल करते वक्त डाल देना है। 2 टेबलस्पून काला मसाला चाहिए हमें। अब काला मसाला हमारे हर एक के घर में अवेलेबल होता है। साल भर के लिए जो मसाला कूट के रखते हैं, ये वो मसाला है, तो वो मसाला ले लेंगे 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये काला मसाला अवेलेबल नहीं है, तो आप इसके जगह पर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मटन को बॉईल करने के लिए हमें धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर चाहिए होगी, तो वो मैंने ले ली है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये देखिए, हमने अपने जो मसाले चाहिए थे वो देख लिए हैं। इसके अलावा अब हम जब मटन करी बना रहे हैं, तो मटन करी कई तरह से बनाई जाती है, जो विलेज में बनाई जाती है। तो आप इसे कनी लगा कर भी बना सकते हैं, या तो फिर आप आज मैं जो ट्रिक यूज़ करने जा रही हूँ आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भुने हुए चने की पाउडर ले ली है, या फुटाने, जिसके कि छिलका निकाल के मैंने मिक्सी में इसे अच्छे से चला लिया है, तो वो मैंने ले ली है 2 टेबलस्पून। आप जितनी गाढ़ी ग्रेवी पसंद करते हैं उस हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे। और इसके अलावा हमें कुकिंग ऑयल चाहिए इसे बनाने के लिए। तो ये देखिए, हमने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। तो अब मटन करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मटन को बॉईल कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं मटन जो है वो पतीले में बॉईल कर रही हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। तो अब मटन बॉईल करने के लिए हमें चाहिए मटन, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ले लेंगे, टमाटर ले लेंगे और नमक और कुकिंग ऑयल। इसके अलावा प्याज ले लेंगे। तो हमें मटन बॉईल करते वक्त ये सारी चीज़ें इसमें डाल के अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो मटन हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब इसके अलावा हमें जो मसाला पीसना है, उसके लिए हमें प्याज और सूखा नारियल जो है उसे भून लेना होगा। तो चलिए इसे भून लेते हैं। तो अब मसाला भूनने के लिए यहाँ पे मैंने एक तवा रख लिया है। आप पैन रख सकते हैं या तो फिर तवे पे भी इसे भून सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। अब हम इसमें सूखा नारियल डाल देंगे, जो हमने पहले ही अच्छे से काट कर चला देंगे इसे। और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे चलाते हुए इसे गोल्डन होने तक ही भून लेना है। तो ये देखिए, हमने जो सूखा नारियल डाला था इसे अच्छे से गोल्डन होने तक के भून लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह पे अब हमें प्याज को भी भून लेना होगा। तो ये प्याज मैंने इसमें डाल दी थी। और इसे भी हमें चलाते हुए गोल्डन होने तक के, या थोड़ी सी जब तक ये हल्की सी जलने नहीं लगती है तब तक इसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, प्याज भी अच्छे से भून चुकी है। हमें इस तरह से थोड़ी सी, जब तक ये ब्लैक नहीं हो जा रही तब तक के अच्छे से इसे भून लेना है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। तो ये देखिए, मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम सारे मसालों को मिक्सी में डाल के एक साथ पीस लेंगे। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से पीस सकते हैं। हमें इसकी बारीक फाइन पेस्ट बना लेनी है। तो ये देखिए, सारे मसालों को मैंने बहुत ही अच्छे से पीस लिया है और उसकी फाइन पेस्ट बना ली है। अब हम चलते हैं इस मसाले को भूनने की तरफ। तो मसाले को भूनने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें तेल गरम कर लिया है। हमें इसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालना है, ताकि ये मसाला अच्छे से भून जाए। तब मसाला हमने जो पीस के रखा है, ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब इस मसाले को हमें चलाते हुए तब तक के भूनना है, जब तक कि मसाला अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाता, अच्छे से सूख नहीं जाता और मसालों से तेल नहीं निकलने लगता। तो लगभग 7 से 8 मिनट तक हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं, मसालों से हल्का सा तेल निकलने लगा है। अब हम इस मसाले को इस तरह से साइड में कर देते हैं। याद रखेंगे कि ये मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई होना चाहिए। ये प्रोसेस इसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखिए, मसालों को मैंने इस तरह से साइड में कर दिया है। और इसमें हम ऑयल डाल देंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे यहाँ पर।
और अब हमने जो काला मसाला लिए रखा है उस मसाले को हम यहाँ पर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, लेकिन ध्यान रखेंगे कि मसाला जो है वो जलना नहीं चाहिए। बस इसे जल्दी से मिक्स करके इन मसालों में हमें मिला लेना है। तो इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इन मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें पानी ऐड कर लेना है, बहुत ही थोड़ा सा, आधा कप के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे एक उबाल आ चुका है। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 2 मिनट तक के अच्छे से मसाले को पका लेना है। उसके बाद हम इसमें बॉईल किया हुआ मटन ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। हमने जो मटन पहले ही बॉईल करके रखा है, वो सारा मटन और पानी इसमें डाल देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मटन इसमें डाल दिया है। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आप यहाँ पे आपको जितना पानी चाहिए यहाँ पे डाल सकते हैं। आप गाढ़ा पतला जैसी ग्रेवी खानी पसंद करते हो, आप यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हो। तो पानी ऐड करके इसे एक उबाल आने देंगे। पानी ऐड करने के बाद में इसे एक उबाल आ चुका है। अब गैस की फ्लेम लो कर देंगे। और अब हमने जो भुना हुआ चने की पाउडर ली थी, आप यहाँ पे स्टेज पे अगर आप कनी यूज़ कर रहे हो तो कनी लगा सकते हो, या तो भुने हुए चने की पाउडर आप यूज़ कर रहे हो तो वो लगा सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने जो भुने हुए चने की पाउडर ली है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, इसकी मैंने बहुत ही अच्छे से पेस्ट बना ली है। अब हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और धीरे धीरे करके इसे इसे डालते जाएंगे। ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे डालने के बाद हमें इसे फौरन अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 1 मिनट तक के ऐसे ही चलाते रहना है। अब इसके बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे हम 5 से 7 मिनट तक के अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद हम इसे सर्विंग डिश में निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो मटन करी है बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मटन करी बनकर बिल्कुल तैयार है, जो हमने देसी स्टाइल विलेज स्टाइल बनाई है। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो गर्मा गर्म मटन करी आप चपाती या बाजरे की रोटी के साथ में खा सकते हैं। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।